अब इसको टाटा की आदत ही हम बोलेंगे कि छोटा मोटा चेंजेस कर देते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा सा पीछे से, और फिर ला देते हैं एक नई कार। लेकिन लुक्स में कैसे योगेंद्र, आप क्या कहेंगे, कितने नंबर देंगे? पहली बात तो है कि मतलब ज्यादा चेंज तो है नहीं, 15 साल से वही गाड़ी बेच रहे हैं। अब तो मारुति भी सीख गया है कि नई रिफ्रेशिंग अच्छे डिजाइन वाली कार्स बहुत सक्सेसफुल होती हैं, और वो चाहे पुरानी कार भी बेचता रहे पर नई कार्स लाता रहता है। कंज्यूमर बदल रहा है, उसका टेस्ट बदल रहा है। बिल्कुल। हाँ। और सफारी तो अब बहुत ही आउटडेटेड हो गई है, देखने में भी जब लॉन्च करी थी तब बहुत ही फिट हो रही थी, अपने सेगमेंट में बिल्कुल आई टर्नर थी, अभी तो बिल्कुल फीकी पड़ गई है। और जैसे जैसे और नई कार्स आ रही हैं तो लोग बात बिल्कुल देखेंगे भी नहीं। बहुत जरूरत है टाटा मोटर्स को कि एक नया जनरेशन सफारी लाएं, चाहे उसका नाम वही रखें चाहे चेंज करके लाएं, पर एक नई एसयूवी चाहिए उन्हें। तो लुक्स के हिसाब से तो मैं उसे 2 पॉइंट ही दूंगा, कुछ नया तो है नहीं। खास चार रही है, सॉरी 3 पॉइंट। तो 3 नंबर दिए हैं योगेंद्र प्रताप ने लुक्स के मामले में टाटा सफारी को। लुक्स के मामले में कहा जाए तो बहुत कुछ करना चाहिए था टाटा को, लेकिन उन्हें किया नहीं है। टूटू साहब कितने नंबर देंगे लुक्स में? फाइनली मेरे ख्याल जाके टाटा ने अपनी सफारी को ऐसी लुक्स दी हैं जो एटलीस्ट कुछ दूसरी बार ही देख सकता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑफ कोर्स जो टाटा मोटर्स की आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क है उसको देखते हुए मैं भी इनको 3 पॉइंट दूंगा। तो 3 नंबर है, ज्यादा अच्छे नंबर नहीं है, ना पास है ना फेल है, एवरेज दिया गया है। लेकिन अगर माइलेज की बात की जाए तो माना जाता है कि जो डीजल कारें होती हैं वो अच्छी एसयूवीज होती हैं, लेकिन अब तकनीक बदल गई है, क्या टाटा बदला है कि नहीं बदला है? नहीं, जो इंजन है उनका वो अच्छा इंजन है, और जो बॉडी है वो तो वही भारी भरकम बॉडी जो पुराने 15 साल पहले बनाई गई थी। तो अभी उन्हें चाहिए कि अच्छे मटेरियल्स यूज करें, नए मटेरियल्स यूज करें, थोड़ी लाइटर बॉडी शेल रहे, पूरे कार का वेट रिड्यूस करें, तो फ्यूल एफिशिएंसी में वैसे फर्क पड़ेगा। इंजन ठीक ठाक है पर ओवरऑल तो बेटर हो ही सकती थी फ्यूल एफिशिएंसी, तो उसके हिसाब से भी मैं उसे 3 ही पॉइंट दूंगा। टाटा सफारी को माइलेज में भी मिले हैं बस 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 3 पॉइंट योगेंद्र की तरफ से, लेकिन आप क्या कहेंगे टूटू सर, माइलेज में कितने नंबर देंगे आप? तो बहुत कुछ तब्दीली कर सकते हैं, आजकल मटेरियल जितने आ गए हैं, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, और ये तो वो एक मरे हुए घोड़े को ही पीटे जा रहे हैं पिछले 15 साल से। आई थिंक दे डेफिनेटली नीड टू डू समथिंग। तो मेरे को खैर 3 नंबर देने में नहीं है कोई शुबा, बट दैट इज ओनली बिकॉज उसका नेटवर्क और आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी वेरी गुड फॉर द कंज्यूमर। चलिए गनीमत है कि आपको 3 नंबर भी मिल गए हैं, वरना सफारी को बहुत कुछ बदलना चाहिए अगर वाकई में चाहते हो कि एक स्पोर्टी और बेहतरीन कार साबित हो। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से जल्दी से हम चाहेंगे कि आप नंबर दे दें इसको। वैल्यू फॉर मनी तो ठीक ठाक है, थोड़ा स्पेस ऑफर करती है, रनिंग कॉस्ट भी अगर हम देखें सब कुछ तो मतलब 4 पॉइंट दे सकते हैं वैल्यू फॉर मनी। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल 4 पॉइंट मैं भी दूंगा, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली, एंड अगेन आई वुड इंसिस्ट के आफ्टर सेल सर्विस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर इज प्लेंटी। चलिए तो टाटा के लिए फायदेमंद बात यह है कि उसका डीलर नेटवर्क बहुत ज्यादा है, कहीं भी अगर आप दिल्ली से जमशेदपुर भी कार ले जाएं तो आप अगर रास्ते में कार खराब हो जाए तो आपको प्रॉब्लम या चिंता की लकीरें आपके चेहरे पर नहीं आएंगी। लेकिन आखिर खराब हो क्यों कार, सवाल यही है, और इसलिए हम चाहते हैं कि टाटा मोटर्स एक ऐसी कार लेकर आए जो वाकई में ट्रेंडी हो, स्पोर्टी हो, और इस कार को थोड़ा बहुत मुकाबला दे सके।